अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हम सभी खैरियत से होंगे। मैं इंडिपेंडेंस फायर डायरेक्टर अबेर मोडी फ्लेम पाकिस्तान जी। तो आज मैं आपके साथ ऐसे 5 पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करने लगी हूँ, जो कि आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताए होंगे और ये आपने कभी सुने भी नहीं होंगे या कहीं पढ़े भी नहीं होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आम पॉइंट्स नहीं है। इनको मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी करके अपने एक्सपीरियंस के साथ और थोड़ा बहुत इनके ऊपर काम करके मैंने इनको थोड़ा समराइज करके जो है ये नोट डाउन किया है, और मैंने सोचा है कि मैं आपको अब मतलब कि आपके साथ ये शेयर करूं, और मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये फ़ायदा भी देंगे। तो आपने जो है इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से जो है नोट डाउन करना है, ठीक है, और इनके ऊपर वर्क करना है। ये 5 पॉइंट्स हैं उन लोगों के लिए, एक जनरल पॉइंट्स। अगर आप एक अच्छा सेल पर्सन बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या अगर आप एक अच्छा बिजनेस जो है वो रन करना चाहते हैं, तो इन 5 पॉइंट्स के ऊपर आपने लाजमी वर्क करना है। तो पहली पॉइंट जो कि आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ कि अगर आप एक अच्छा मार्केटर बनना चाहते हैं तो हमेशा टारगेट करें अपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स पे और उनकी वांट्स पे, उनको चाहिए क्या। अगर आप कस्टमर की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे या अगर आप कस्टमर की वांट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि उनको क्या चाहिए, तो आप कभी भी एक अच्छे मार्केटर या एक अच्छे सेलर नहीं बन सकते, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि एक कस्टमर है आपके पास जिसको ओप्पो फ़ोन चाहिए और एक कस्टमर है आपके पास जिसको एप्पल फ़ोन चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आप कभी भी एप्पल वाले को ओप्पो फ़ोन नहीं दे सकते। तो इस एग्जांपल को आप अपने बिजनेस में रिलेट करें कि क्या आप वाकई लोगों को उनकी नीड, उनकी वांट्स एंड उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो नेल पॉलिश पसंद नहीं करता, अब उसको नेल पॉलिश जो है वो सेल कर रहे हैं, तो आपको हमेशा जो है वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट जो है वो मिलेगी। ऐसे कस्टमर से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी क्योंकि वो यूज़ नहीं करना चाहता, उसको पसंद नहीं है, कोई भी ऐसा रीज़न है वो नहीं लेना चाहता। तो अगर आप ये सेल कर रहे हैं तो ये आपको प्रॉब्लम देगा, यानी कि आपने हमेशा लोगों की प्रॉब्लम को टारगेट करना है। अब एक इसकी एग्जांपल आप ये ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसका मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग होता है, ठीक है, हैंग होता है, हैंग का अगर आप मतलब समझते हैं ना, तो आपको पता चलिए इस पर्सन की प्रॉब्लम कि इस पर्सन का मोबाइल हैंग होता है, अब आपने उसको वो मोबाइल सेल करना है जो कि हैंग ना हो। तो दिस इज़ अ मेन एग्जांपल जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत आसान वर्डिंग में मैंने आपको ये पहला पॉइंट आई होप के क्लियर कर दिया। अब बारी आती है दूसरे पॉइंट की कि हमेशा आपने जो है ना कस्टमर को इमोशनल वे में अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करनी है, क्योंकि कस्टमर हमारे जो ह्यूमन बींग है ना, दे आर मोस्टली इमोशनल, ठीक है, लॉजिकल नहीं होते। फॉर एग्जांपल अब आप देख लें कि अब मार्केट में कितने ज़्यादा कितनी तरह के घी हैं, ऑयल जिसको घी जिसको कहते हैं, कितने तरह के घी हैं। अब सब घी का पर्पस क्या है, उनसे खाना पकता है, चीज़ें फ्राई होती हैं, लाइक कुकिंग पर्पस यही है ना मकसद। अब आपकी प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है जो कि आपकी प्रोडक्ट लोग लें, दैट इज इमोशनल। हमने लोगों को थोड़ा इमोशनल करना, लाइक डालडा के अगर एग्जाम्पल लें, उन्होंने अपने एड में ये चीज़ ये स्टेटमेंट बनाई हुई है, जहाँ डालडा वहाँ मामता, या जहाँ मामता वहाँ डालडा, ऐसे करके कुछ उसकी स्टेटमेंट अभी मेरे माइंड से जो है थोड़ा बहुत स्किप हो गया। लाइक वो अपने कस्टमर को, वो अपने बायर्स को थोड़ा इमोशनल कर रहे हैं, और वो किसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, मामता के ऊपर, मदरहुड के ऊपर वो टारगेट कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ लॉजिकल रहे कि मतलब कि हमारा घी जो है आपके खाने पकाएगा, जैसे अब मिज़ान कहते हैं हर चीज मिज़ान में अच्छी लगती है, लाइक ऐसे करके उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने भी क्या किया हुआ है, ये नहीं कहा कि आपका खाना बहुत अच्छे से फ्राई करेगा, ये होगा वो होगा, लाइक उन्होंने कुछ स्टेटमेंट ऐसी पकड़ी है इमोशनल, जो कि लोग के माइंड में क्लिक करें, माइंड में क्लिक करने के बाद लोग उसको बाय करें। तो आपने हमेशा इमोशंस जो है वो सेल करने हैं, लॉजिक नहीं। फॉर एग्जांपल इसकी एक और एग्जांपल लें कि आप एक अच्छा मोबाइल फ़ोन है, महंगा मोबाइल फ़ोन है, आप उसको कह देते हैं कि ये तुम ले लो। फॉर एग्जांपल अगर वो 1 लाख का है, आप एक कस्टमर को कह देते हैं कि ये ले लो, कहाँ बार बार अपने मोबाइल फ़ोन चेंज करते रहोगे, यही एक यूज़ करो और उसको 4 साल चलाओ। अब वो बंदा वो सोचेगा भी वाकई एक दफ़ा ले लूँगा और मैं इसको यूज़ करता रहूँगा तो मेरे लिए फ़ायदा होगा। इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर के, कस्टमर जो है वो क्या चाहता है, वो मोबाइल फ़ोन
एक ही बार लेना चाहता है या वो बार बार चेंज करना चाहता है। सो ये आपने कस्टमर टू कस्टमर जो है ये चीज आपने करनी है इमोशनल करके, लाइक फिर आपने जो है वो सेल करना है। इसी तरह थर्ड पॉइंट भी इससे थोड़ा रिलेटेड है, वो ये कि आपने एक स्पेसिफिक बनना है, बी स्पेसिफिक एंड बी डिफरेंट। ठीक है, अगर आप लोगों से डिफरेंट क्यों है, लोग आपसे आपकी प्रोडक्ट ले क्यों, आपने एक दूसरे मार्केटर से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है, एक स्पेसिफिक बनाना है, यूनिक बनाना है, डिफरेंट बनाना है। ठीक है, अब देखिए टूथपेस्ट है वो उसका पर्पज एक है, सेम है। अब आपकी टूथपेस्ट लोग आपसे क्यों लें, क्या इसमें खास बात है? ठीक है, घी है उसका पर्पज सेम है, आपसे आपका घी क्यों लें? अब मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का मेन मकसद जो है वो कॉल करना, कॉल करना, कॉल उठाना, सोशल मीडिया यूज करना, बस ये। तो फिर लोगों की क्या वैरायटी है, मतलब लोग आपसे आपका मोबाइल फोन क्यों लें, क्या ऐसी एक खास बात है जो कि आपको दूसरों से डिफरेंट करती है? तो वो जो अब हर बंदे की, हर प्रोडक्ट की, हर चीज की एक खास बात होती है, एक अलग बात होती है, अगर नहीं भी है तो वो बनानी पड़ती है, खुद को दूसरों से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो आप दूसरों से खुद को डिफ्रेंशिएट करें और उसके ऊपर वर्क करें कि लोग आपसे आपकी प्रोडक्ट क्यों लें। इसी तरह सेल रिजल्ट्स एंड सॉल्यूशन। अब मैंने आपको कहा था कि एक पर्सन है, उसका प्रॉब्लम क्या है भाई, उसका मोबाइल हैंग करता है, हैंग हो जाता है। तो आपने उसको ऐसी प्रोडक्ट सेल करनी है जो कि ऐसा मोबाइल सेल करना है जो कि हैंग ना होता हो। तो आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि ये आपका फोन है, ये हैंग नहीं होता, ये ले लो। आपने बकायदा उसको बताना है, लाइक रिजल्ट शो करने हैं। जब तक आप कस्टमर को रिजल्ट्स एंड सॉल्यूशंस शो नहीं करते, तब तक कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, वो अट्रैक्ट नहीं होता और वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो हमेशा आपने रिजल्ट शो करने हैं, हमेशा आपने सॉल्यूशन शो करने हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई अच्छा लिपस्टिक है, अब आपने लिपस्टिक कोई भी ऐसे पकड़ के नहीं, आपने पकड़ी हुई है तो वो आपसे कभी भी कोई नहीं लेगा। जब तक आप उसको लिप पे नहीं लगाएंगे, जब तक कलर अगले बंदे का शो नहीं होगा, तब तक कोई आपसे लिपस्टिक नहीं लेगा। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा गौर करें कि आपने रिजल्ट शो करने हैं और सॉल्यूशन शो करने हैं। लास्ट में मैं एक चीज़ कहूँगी, बी एंटरटेनिंग इन योर वर्क। अगर आपका कोई भी काम है, वैसे कोका कोला देखें, कोका कोला कैसे वो डांस करवाते हैं, कोका कोला मुझे अब जहन में नहीं आ रहे गाने, इतने ज़्यादा कोका कोला ने गाने बनाए हैं। व्यू देखें उनकी मूवी, उनके एड्स कैसे होते हैं कि वो जो है क्या कहते हैं ऐसे जो उसके अंदर जो वर्क कर रहा है वैसे जंपिंग कर रहा है, लाइक कितने एंटरटेनिंग एड्स होते हैं। कुछ और आप देखें मिजान, मिजान का हर चीज़ मिजान में कैसे वो खाने इधर से उधर उछल रहे हैं, लाइक कैसे उन्होंने एंटरटेनिंग एड बनाया हुआ है। अब यूफुन के जो क्या कहते हैं एड्स थे वो बहुत फनी होते थे, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर थे। तो आपने एक इंटरटेनमेंट जो है वो पैदा करनी है कि लोग आपके साथ इंडल्ज रहें। अब जैसे कि लोग टीवी के जो ड्रामाज होते हैं, मूवीज होते हैं, वो लोग उसके साथ बंधे रहते हैं ना, देखते हैं, अब तो सीरीज आ गई हैं, लोग उसके साथ जो है वो बंधे रहते हैं। सिमिलरली आपने भी अपनी आपका जो काम है उसमें आपने इंटरटेनमेंट लाजमी डालनी है। अगर आप इंटरटेनमेंट नहीं डालेंगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे, आपसे बोर हुए लोग आपके प्रोडक्ट से बोर हो गए। सो ये थे मेरे कुछ 5 पॉइंट्स, होपफुली आपको हेल्प। थैंक यू सो मच।